बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की वेबसाइट लेके आया हूं। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है और उस मोबाइल में कैमरा है तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आप तकरीबन 2 से 3 लाख रुपये भी कमा सकते हैं और इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरा है या फिर आप वैसे कॉपी पेस्ट करना जानते हैं तो बहुत ही कमाल की वेबसाइट लेके आया हूँ। उससे आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये वेबसाइट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो हमेशा इसको देखनी है। अगर इस वेबसाइट से आपने पैसे नहीं कमाए तो फिर यकीनन मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि ये देखें, वो इतना ईजी काम, सिर्फ कॉपी पेस्ट या फिर आपने मोबाइल फ़ोन, अब आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरा है तो आप उससे पैसे कमा सकते हैं। देखिए, हम लोग मोबाइल फ़ोन तो यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, तो क्यों ना हम लोग उस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते करते उससे पैसे भी कमाएं। जी हाँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं किस तरह आप पैसे कमा सकते हैं। और मज़े की बात यह, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट है कि आपके टाइम की। अगर आपके सिर्फ आपके पास मोबाइल होना लाजमी है, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप कॉपी पेस्ट काम भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आपने क्या करना है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके आपने गूगल को ओपन कर लेना है। और गूगल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है mostphotos.com। ये हमारे पास पहले ही आ गया। इसको टाइप करने के बाद हम लोगों ने एंटर पे क्लिक कर लेना है। एंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो पहला लिंक है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें आपके सामने, आपने इसको ओपन कर लेना है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसको ओपन करके पहले मैं आपको कोई चीज़ें दिखा देता हूँ, और कोई चीज़ें दिखाने के बाद फिर हम लोग एक दो और चीज़ें दिखेंगे आपको, बताऊँ। ये देखें, हमारे पास ये चीज़, एक वेबसाइट ओपन हो गई है। अब ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म की स्टॉक फ़ोटोज़ पड़ी होती हैं, लेकिन ये वो फ्री वाली नहीं है, ये पेड है। मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। ये देखिए, हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, नॉर्डिक कैपिटल्स, फूड, उसके बाद प्रोफेशनल्स, एनिमल्स। तो मैं प्रोफेशनल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, प्रोफेशंस के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक कर लिया तो न्यू टैब मेरे पास ओपन हो गया। अब इसके रिलेटेड भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। मैं क्या करता हूँ, ये मैं ये क्राफ्ट की जो है ये इसको ओपन कर लेता हूँ, क्राफ्ट की कैटेगरी को ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखें, हमारे पास डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स जो हैं वो हमारे सामने ओपन हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं किसी एक पिक्चर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इस पिक्चर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये सेल के लिए लगी हुई है। और जो है इसके ये प्राइस आप देखें, प्राइस आप इसको चेक करें, ये देखें, ये मीडियम, ये लार्ज, और ये एक्सटेंडेड लाइसेंस, और ये एक्सटेंडेड अनलिमिटेड। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि काम किस तरह होता है। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास एक कैमरा है, आप उस कैमरे से डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स लेके यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे अकाउंट बना के अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट बना के अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपके लोग पिक्चर्स ख़रीदने के लिए आएंगे, और ख़रीदने के लिए आएंगे, जैसे वो आपकी पिक्चर ख़रीदेंगे तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। तो जनाब, यहाँ पे अब बात, क्वेश्चन ये आ जाता है जो कि हर एक बंदे के जहन में आता है, और मैं उसका आंसर भी करना चाहूँगा कि यार, लोग ये पिक्चर्स जो हैं ये हमसे ख़रीदेंगे क्यों, वो खुद नहीं बना सकते पिक्चर्स वगैरह? तो जनाब, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिन लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनानी होती हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने होते हैं, वो खुद इस तरह की पिक्चर्स नहीं बनाते, वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, वो टाइम की वैल्यू करते हैं। आपको पता है, जो अंग्रेज़ लोग हैं वो टाइम को वैल्यू देते हैं, और हर कोई प्रोफेशनल बंदा जो है वो टाइम को वैल्यू देता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, एक तो यार ये तो हो गया हमारे मोबाइल फ़ोन के कैमरे का काम, कि हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ मोबाइल से पिक्चर्स वगैरह लेनी है और आकर यहाँ पर अकाउंट बनाना है। अकाउंट किस तरह बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर इसकी प्राइसेस भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो आपने जस्ट यहाँ पे अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे आपने चीज़ें आके अपलोड कर देनी है। तो लोग आएंगे यहाँ पे, जिन लोगों को, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनानी होती हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने होते हैं, वो क्या करेंगे, वो आपसे यहाँ पे आके आपके अकाउंट से ये पिक्चर्स वगैरह ख़रीदेंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन कैमरा नहीं है तो आप कॉपी पेस्ट काम करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप गूगल के ऊपर, आप गूगल के ऊपर आएंगे, और गूगल के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेंगे। और गूगल को ओपन करने के बाद डिफरेंट किस्म की स्टॉक वेबसाइट्स हैं, जैसे कि
freepick.com है, फ्री पिक पे आएंगे आप। फ्री पिक पे आने के बाद आप यहाँ पे ओपन करेंगे, बहुत सारी आपके पास फ्री पिक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, बहुत सारी ये फ्री पिक्चर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, आप यहाँ से पिक्चर उठा सकते हैं और यहाँ पे आके इस mostphoto.com के ऊपर आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपने ये करना है, वहाँ पर ये कॉपीराइट फ्री होती हैं, रॉयल्टी फ्री होती हैं, यहाँ से आप कॉपी करें और यहाँ पे आके आप अपलोड करें, यानी कि मोबाइल फ़ोन के कैमरे से भी और यहाँ के कॉपी पेस्ट करने के बाद भी आप ये डिफरेंट किस्म के काम कर सकते हैं। हम लोग दूसरी चीज़ को देख लेते हैं, अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये इसकी हम लोग देख लेते हैं प्राइस, सपोज़ इसको कर लेते हैं, इसको क्लिक करने के बाद ये देखें इसके भी चीज़ देख लें, इसके भी पैसे हैं। ठीक हो गया जी, और वो इस तरह अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करने की कोशिश करेंगे तो ये सेव नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें इसका वाटरमार्क लगा हुआ है हर एक पिक्चर के पीछे। ठीक हो गया जी, तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ के ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने अकाउंट किस तरह बनाना है। तो ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन है, उसके बाद साइन अप का ऑप्शन है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप इसके ऊपर लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप साइन अप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ये साइन अप के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये एक टैब मेरे पास ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया जी, अब इस टैब में हम लोगों ने क्या क्या करना है, अब पहले हम लोगों ने देखना है हम लोग बायर हैं या फिर सेलर हैं। तो हम लोगों ने सेलेक्ट करना है फोटोग्राफर या फिर इलस्ट्रेटर, हम लोगों ने बायर नहीं करना है। याद रहे, जो लोग बाय करने आते हैं वो बायर के ऊपर क्लिक करते हैं, लेकिन जो लोग सेलर हैं हमारी तरह के वो फोटोग्राफर हैं, वो फोटोग्राफर या फिर इलस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक हो गया जी, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है यूज़र नेम आ जाता है, आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, और यूजर नेम लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहां पे अपने ईमेल एड्रेस लिखना है, कोई भी आप ईमेल एड्रेस यहां पे लिखेंगे तो उसके बाद आपके करेंगे, आप ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपका ईमेल तो हो गया, आपने यहां पे अपना पासवर्ड लिखना है, ये देखें नेक्स्ट टाइप है पासवर्ड की, और उसके बाद आपने पासवर्ड को रीटाइप करना है, और उसके बाद आपने यहां पे इसको चेक करना है आई एग्री टू कंट्रीब्यूट टर्म्स, यानी उनके कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं उसके साथ आपका एग्री होना लाजमी है, तो आपने यहां पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपने यहां पे क्रिएट एंड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं लिखना चाहते और आपके पास फेसबुक अकाउंट है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट साइन अप विद फेसबुक अकाउंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो तरीका आ गया हमारे साइन अप का, और अगर हम लोग हमारा ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट किस्म का फॉर्म आ जाएगा। ये मैंने क्लिक कर दिया है, हमारे पास ये डिफरेंट किस्म का फॉर्म आ गया है। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अपनी ईमेल लिखनी है, पासवर्ड लिखना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है, और अगर हमारा पासवर्ड भूल गए हैं हम लोग तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो अब बात आ जाती है इसके डिफरेंट किस्म के पैकेजेस की या फिर इसकी प्राइसिंग की। तो ये हमारे पास प्राइसिंग का ऑप्शन जो है ये यहाँ पे अवेलेबल है, ये हमारा प्राइसिंग का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ पे प्राइसिंग के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है इसकी प्राइसिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखें हमारे पास डिफरेंट किस्म के पैकेजेस हैं, याद रहे ये हमारे लिए नहीं, ये बायर्स के लिए हैं, जो लोग बाई करेंगे चीज़ों को। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे हम लोग नीचे आ जाते हैं, ये देखें हमारे पास डाउनलोड पैकेजेस वैलिड 12 मंथ्स, यानी कि अगर आपने 5 इमेज को डाउनलोड करना है $149 आपको पे करने पड़ेंगे, 10 इमेजेस को आपने डाउनलोड करना है तो $219 आपको पे करने पड़ेंगे, और अगर आपको 20 इमेज को पे करना है डाउनलोड करना है तो आपको $279 पे करने पड़ेंगे। ये आपके डाउनलोड पैकेजेस हैं। ठीक हो गया जी, और अगर आप जो मंथली प्लान्स खरीदना चाहते हैं तो आपके पास ये देखें ये मंथली लिहाज से भी चीज़ें हैं, ये मंथली लिहाज से आपके पैकेजेस हैं और ये इमेजेस के लिहाज से आपके पैकेजेस हैं, ये आपके नहीं बल्कि बायर्स के हैं, और यकीनन जब आप यहाँ पे सेल करेंगे तो ये सेल के पैसे आपको भी मिलेंगे। ठीक होगा, ये इतनी आसानी का काम है, आपने सिंपल सी पिक्चर्स वगैरह लेनी है अपने मोबाइल फ़ोन से और यहाँ पे अपलोड कर देनी है, उसके बाद आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं किसी फ्री वेबसाइट के ऊपर जाएँ जहाँ पर रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स पड़ी होती हैं, वहाँ से कॉपी करें यहाँ पर पेस्ट करें, और उसके बाद आप फोटोशॉप से भी बना सकते हैं खुद की पिक्चर्स, फोटोशॉप करके खुद की पिक्चर्स वगैरह बना के ओरिजिनल हाई क्वालिटी पिक्चर बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे अपलोड करने के बाद आप यहाँ से कमा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो आज की कैसी लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।